माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू अनुपमास वर्ल्ड। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन भी प्रेस कर दो ताकि मेरी आने वाली नई वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ एक बहुत ही ज़्यादा टेस्टी एंड डिलीशियस सी रेसिपी, जो कि है मिल्क कलाकंद। और इसको बनाना बहुत आसान है और ये इतनी सॉफ्ट बन के तैयार हुई है। देखिए, मैं आपको एक तोड़ के दिखाती हूँ। देखिए, तोड़ने से ही आपको पता चल रहा है कितनी सॉफ्ट है और जूसी है, और खाने में तो इतनी ज़्यादा डिलीशियस है कि मुंह में जाते एकदम घुल जाती है। और इसको बनाना बहुत आसान है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे पहले हम 2 लीटर फुल क्रीम दूध ले लेंगे, और इसमें से अब हम 1/2 लीटर एक कढ़ाई में बॉईल करने के लिए छोड़ेंगे, जिसको कि हम गाढ़ा करेंगे पका पका के रबड़ी की तरह। और बाकी का 1.5 लीटर हम दूसरे पैन में चढ़ा देंगे बॉईल करने के लिए, जिससे कि हम छेना बनाएंगे। अब हमने गैस पे रख दिया है, 1.5 लीटर अलग रख दिया है और 1/2 लीटर जो कढ़ाई का है ना, उसको भी हमने गैस पे रख दिया है। उन दोनों को लगातार चलाते हुए हमें कुकर बॉईल करना है, और कढ़ाई वाले को सिम पे करके बॉईल करके उसको गाढ़ा करना है, और इस पैन वाले को हमें बॉईल लाना है और इससे हमें छेना बनाना है। तो छेना बनाने के लिए सबसे पहले हम इस तरह से, ये देखिए, 2 टेबल स्पून हमने विनेगर ले लिया है। आप विनेगर ना हो तो आप नींबू का रस भी ले सकते हैं। तो मैंने 2 टेबल स्पून विनेगर लिया है और उसमें 1/2 कप पानी ऐड कर दिया है। तो ये सॉल्यूशन बनके हमारा तैयार है, इससे हम अपना छेना बनाएंगे। तो यहाँ देखिए, अब दूध में हमारे बॉयल आ गया है, इसको हम गैस पर से उतार लेंगे और इसमें हम अभी साथ के साथ ही ये विनेगर और पानी वाला सॉल्यूशन मिला लेंगे। हमें अपने इस दूध को ज़्यादा ठंडा करने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि हमें कलाकंद बनाना है तो इसके लिए हमें ज़्यादा ठंडे करने की ज़रूरत नहीं है। पनीर बनाते हुए हम थोड़ा ठंडा करते हैं दूध को, फिर पनीर बनाते हैं, उससे सॉफ्ट बनता है, बट इसमें ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है। तो इसमें हम ये विनेगर वाला पानी तब तक डालेंगे जब तक कि हमारा पानी और छेना अलग अलग नहीं हो जाता। ये देखिए, ग्रीन सा पानी हमारा अलग हो गया है, इसका मतलब हमारा परफेक्ट छेना बनके तैयार है। अब हमें इसमें विनेगर और ऐड नहीं करना है। बस अब हम एक स्ट्रेनर ले लेंगे, स्ट्रेनर के ऊपर मैंने एक पतला मलमल का कपड़ा रख लिया है, इसमें अब हम अपने सारे छेना को स्ट्रेन कर लेंगे। इस तरह से पूरा हम अपना छेना छान लेंगे, और इसके ये जो पानी बचा है ना, इसको फेंकेंगे नहीं, इसको आटा गूंथने में या सब्जी बनाने में यूज़ कर लेंगे। अब इसको हमें ठंडे नॉर्मल पानी से इसको 2 से 3 बार अच्छे से धोना है। हमें सारा विनेगर का जो फ्लेवर है ना, वो इस अपने छेना में से हटाना है बेसिकली। और तो इसको बहुत अच्छे से पानी से हम धो लेंगे, और ये छेना हमने अच्छे से वॉश कर लिया है। अब इसको स्क्वीज़ कर लेंगे और छलनी में थोड़ी देर इसको इसी तरह से छोड़ देंगे। ये देखिए, छेना बनके हमारा तैयार है, स्क्वीज़ कर लिया इसको हमने अच्छे से, और ये अच्छे से थोड़ा ड्राई हो गया है। अब हम इसको पोटैटो मैशर से बहुत अच्छे से मैश करेंगे। डायरेक्ट हमें छेना दूध में नहीं डालना चाहिए, उससे क्या होता है, ज़्यादा मोटे मोटे दाने आ जाते हैं हमारे कलाकंद में। इस तरह से इसको थोड़ा अच्छा सा स्मूथ कर लेना चाहिए, पोटैटो मैशर से कर लो या फिर आप हाथ से भी कर सकते हैं। इस तरह से हाथ से भी मसल मसल के इसको हमें बहुत अच्छे से सॉफ्ट बना लेना है अपने छेना को, और ये हमारा छेना अच्छा सा सॉफ्ट बन के तैयार हो गया है। और इधर देखिए, दूध भी हमारा ऑलमोस्ट आधा हो गया है कड़ कड़ के, और ये अच्छा जैसे रबड़ी होती है ना, वैसा हो गया। अब हम इसमें 3/4 कप हमने शुगर ले लिया है। अब शुगर आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले सकते हैं, आप कम मीठा खाते हैं तो 1/2 कप भी ले सकते हैं। मैंने यहाँ 3/4 कप लिया है। चीनी को हम अपने दूध में ऐड करेंगे और इसको जब तक ये मेल्ट नहीं हो जाता है तब तक कुक करेंगे। चीनी डालने से थोड़ा हमारा ये दूध थोड़ा और पतला सा हो जाता है, तो हमें इसमें 1-2 उबाल लाना है। अच्छे से 1-2 उबाल आ जाएगा हमारी इस रबड़ी वाले दूध में, तो इसमें हम अपना छेना मिक्स करेंगे। ये देखिए, हमने अपना सारा छेना इसमें डाल दिया है, और इसको बहुत अच्छे से मिक्स करेंगे, एक भी लम्स नहीं रहना चाहिए। और ये सारा काम हमें हाई फ्लेम पे ही करना है, क्योंकि अगर आप लो फ्लेम पे करेंगे ना, तो इसमें अब हमने ग्रीन इलायची क्रश करके डाल ली है, तो हमें हाई फ्लेम पे ये सारा काम करना है। उसी से हमारी बर्फ़ी का टेक्सचर एकदम वाइट आएगा कलर, और जैसे कि हलवाइयों की होती है एकदम वाइट कलाकंद, उस तरह का बनाने के लिए हमें इसे हाई फ्लेम पे कुक करना है। लो फ्लेम पे करेंगे तो इसका कलर चेंज हो सकता है। ये देखिए,
हमारा कलाकंद ऑलमोस्ट बनके तैयार है। अब हम अपनी ट्रे को घी से ग्रीस कर लेंगे और इसमें नीचे एक बटर पेपर बिछा लेंगे, जिससे कि कलाकंद निकालने में बहुत आसानी होगी। यह हमने अपनी ट्रे तैयार कर ली है। आपके पास ट्रे ना हो तो आप प्लेट या थाली में भी बना सकते हैं। तो अब हम अपना ये सारा कलाकंद वाला बैटर इसमें डाल लेंगे। ये देखिए कितना सॉफ्ट और जूसी है, सारा अच्छे से मिक्स हो गया है, दूध और पानी अलग अलग नहीं नज़र आ रहा है, बहुत अच्छे से ये सॉफ्ट सा बनके तैयार हो गया है। इसको इस तरह से स्पैचुला से प्लेन कर लेंगे इसका ऊपर का सरफेस, और इसको गार्निश कर लेंगे थोड़े से पिस्ता कतरन से और थोड़े से बादाम से। ड्राई फ्रूट आप अपनी मर्ज़ी से इस पर गार्निश कर सकते हैं, मैंने पिस्ता और बादाम से इसको गार्निश किया है। तो इस तरह से इसको प्रेस करते हुए अच्छे से सेट कर देंगे ताकि ये अच्छे से चिपक जाए ड्राई फ्रूट हमारे कलाकंद पे। और इसको सेट करने के लिए 3 से 4 घंटे के लिए हम छोड़ देंगे। अगर आपको थोड़ा जल्दी है तो आप इसको 1.5 से 1 घंटे के लिए फ्रिज में भी रख सकते हैं, उसमें भी ये बहुत अच्छे से सेट हो जाता है। तो ये देखिए मैंने इसको फ्रिज में सेट करने के लिए छोड़ दिया है क्योंकि मुझे थोड़ा जल्दी कट करना है। तो अब हम इसको नाइफ से कट करेंगे, हमने फ्रिज से निकाल लिया है इसे 1 घंटे बाद। और ये देखिए बटर पेपर की वजह से बहुत आसानी से निकल जाता है, ये देखिए। बट इसको हम बहुत केयरफुली निकालेंगे क्योंकि ये बहुत सॉफ्ट होता है, ये टूट सकता है। तो हम इसे इस तरह से जैसे हम केक को निकालते हैं ना अपने टिन से पलट के प्लेट पे, उस तरह से निकाल लेंगे। ये देखिए बटर पेपर हम हटा लेंगे, दूसरी प्लेट रख के अब हम इसको सीधा कर लेंगे। ये देखिए कलाकंद बनके हमारा तैयार है। हमने ये इस तरह से इसलिए किया है क्योंकि ये बहुत सॉफ्ट है, अगर हम वैसे निकालने की कोशिश करते तो ये टूट जाता। तो इसको नाइफ से कट कर लेंगे या फिर पिज़्ज़ा कटर से भी आप कर सकते हैं, अपनी मनपसंद शेप में आप इसको कट कर सकते हैं। और देख रहे हैं आप कितना सुंदर वाइट कलर आया है, जैसे एकदम हलवाइयों का होता है, बिल्कुल वाइट और सॉफ्ट एंड जूसी। सॉफ्ट तो इतना है कि आप मुँह में डालते ही एकदम से घुल जाता है, और टेस्टी इतना कि अगर आप एक बार बना के खाएंगे ना तो आपको बार बार इसको बनाने का मन करेगा। तो फ्रेंड्स मैंने तो इस तरह से अपने दिवाली पे आप इसको बना सकते हैं, भाई दूज के लिए इसको आप बना सकते हैं, किसी भी ओकेजन पे आप इसको बना सकते हैं। तो मैं एक आपको तोड़ के दिखाती हूँ कितना ज़्यादा सॉफ्ट है, और कलर देख रहे हैं आप एकदम वाइट जैसे हलवाइयों का होता है। और देखिए कितना सॉफ्ट और जूसी बन के तैयार हुआ है हमारा कलाकंद। तो फ्रेंड्स कैसी लगी आप सबको मेरी ये वीडियो, आई होप आप सबको ये अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो अपनी फैमिली और फ्रेंड के साथ शेयर कर देना और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, हैप्पी दिवाली एंड हैप्पी भैया दूज, बाय बाय, टेक केयर।